अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्रिकेट में प्रत्येक खिलाड़ी अपना मन पसंदीदा फील्ड चुनना चाहता है। कोई खिलाड़ी गेंदबाज बनना चाहता है तो कोई खिलाड़ी बल्लेबाज बनना चाहता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी मनपसंद फील्ड में अच्छा हो। आज हम क्रिकेट जगत के उन 5 विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आए तो थे क्रिकेट में गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन वो महान बल्लेबाज के रूप में दिखाई देते हैं आज के समय में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों गुजारिश है आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियाँ सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहती हैं। दोस्तों बात करें पांचवें खिलाड़ी की, तो पांचवें खिलाड़ी का नाम जो निकल के आता है वो है स्टीव स्मिथ का। ऑस्ट्रेलिया टीम के सलामी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत एक गेंदबाज के तौर पर की थी, लेकिन स्टीव स्मिथ ने तत्काल कप्तान रिकी पोंटिंग की बात मानकर बल्लेबाजी करना चालू कर दिया था। इसके बाद यह बल्लेबाजी में मजबूत होते चले गए दिन पे दिन, और अब यह हमें बल्लेबाज के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों जो चौथा नाम निकल के आता है वो है केविन पीटरसन का। केविन पीटरसन ब्रिटेन टीम के सलामी बल्लेबाज हैं, मतलब इंग्लैंड टीम के। लेकिन क्या आपको पता है कि जब केविन पीटरसन ने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी तो वह एक लेग स्पिनर के तौर पर की थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने बल्लेबाजी में खूब नाम कमाया है। हालांकि आप लोगों ने केविन पीटरसन को कभी कभार तो गेंदबाजी करते हुए देखा ही होगा। दोस्तों जो तीसरा नाम निकल के आता है सनत जयसूर्या का। श्रीलंका टीम के पूर्व बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने क्रिकेट की शुरुआत अपने एक लेग स्पिनर के तौर पर की थी, लेकिन शुरुआत में उन्होंने कुछ ज्यादा खास बल्लेबाजी नहीं करी थी, लेकिन बाद में एक शानदार बल्लेबाजी करके वह महान बल्लेबाज बन गए थे। दोस्तों सनत जयसूर्या के नाम कई रिकॉर्ड भी शामिल हैं। दोस्तों जो दूसरे नंबर पर नाम निकल के आता है वो है सचिन तेंदुलकर का। दोस्तों क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हम आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर का सपना था एक तेज गेंदबाज बनने का, लेकिन चेन्नई में स्थित MRF पेस फाउंडेशन के प्रमुख डेनिस लिली ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने बल्लेबाजी की और ध्यान देना चालू कर दिया था, और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है कि सचिन तेंदुलकर को आखिरकार क्रिकेट का भगवान कहा क्यों जाता है। और दोस्तों हमें पता है आप लोगों को इंतजार होगा पहले बल्लेबाज का नाम जानने के लिए कि वह पहला बल्लेबाज भारत की तरफ से कौन है जो कि आज के समय में सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा विस्फोटक बनता चला जा रहा है। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे नाम निकल के आता है वो है रोहित शर्मा का। दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा रोहित शर्मा ने क्रिकेट में शुरुआत तो एक गेंदबाज से की थी, लेकिन जूनियर क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ तेज गेंदबाजी के दौरान उनके सीधे हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद वह बॉल पर ठीक से ग्रिप नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चालू कर दिया था, क्योंकि उन्हें क्रिकेट में अपना करियर आगे लेके जाना था। और आज हमें रोहित शर्मा विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि इन 5 खिलाड़ियों में से आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है। दोस्तों अगला वीडियो हमें किस चीज के ऊपर बनाना चाहिए आप हमें नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा, और हम जितने ज्यादा सेम कमेंट होंगे हम उसी विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।